आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज़ वन, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। योजनाओं का आमजन को लाभ पहुंचाकर दोबारा गहलोत सरकार की वापसी का प्रयास ही हम सभी की, कांग्रेस जनों की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बात राज्य मंत्री पुखराज पाराशर ने आबू रोड नगर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्षदों को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कही। दो दिवसीय दौरे से लौटते वक्त राज्य मंत्री पुखराज पाराशर से कांग्रेस पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी, सेवा दल अध्यक्ष सुरेंद्र छावरा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हाजी मुजीर पठान, ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरा राम गरासिया की अगुवाई में मिलकर संगठन और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करी। इस अवसर पर स्थानीय पार्षदों सुमित जोशी, सुनील खोत, नीलोफर बनो, अंजलि जोशी, दिनेश मेघवाल आदि ने भाजपा बोर्ड द्वारा जानबूझकर गरीब असहाय पिछड़ों और आमजन को राहत नहीं देकर भ्रष्टाचार से धन्ना सेठों को राहत देने के मामले से भी अवगत करवाया। इस अवसर पर सेवा दल अध्यक्ष सुरेंद्र छावरा, ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरा राम गरासिया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हाजी वजीर खान, उप सरपंच मुकेश कुमार, आईटी सेल के प्रदेश सचिव जीतू मारू, हैदर पठान, निखिल जोशी आदि ने मैरथला पुल के लिए विशेष बजट को लेकर ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण समाज के दिलीप शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, हरिओम शर्मा, मनीष पंडित, रोहित शर्मा, राम अवतार पंडित ने भी राज्य मंत्री पाराशर का केसरिया दुपट्टा पहनाकर स्वागत कर पंडितों की पेंशन और मंदिरों के विकास को लेकर अपनी समस्या बताई। इस मौके पर मुस्लिम युवा मंच के हुसैन मोहम्मद, जावेद खान, अफजल खान, आकिब शाहरुख, हारून खान, एडवोकेट जुनैद रूहान खान, फैजान वासिम खान, हैदर पठान, हबीब थेम, नसरुद्दीन अदरीश मोहम्मद आदि के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंप OBC आरक्षण की विसंगतियों और बेरोजगारी भत्ते में आ रही समस्याओं से अवगत करवाया।